अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई अभी जो है गाइस, मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ में हो रहा है इन्फेक्शन, तो इसलिए मेरे पेपर भी चल रहे हैं। तो मेरे पेपर ख़त्म होंगे 5 तारीख को, तो उसके बाद मैं डेली व्लॉग करूँगा। अभी मेरी हाथ में इन्फेक्शन हो रहा है, घर में सबको आ रहा है, मेरे को स्कूल से हुआ है। तो गाइस, मेरे को बहुत रेड होने, पता नहीं चला कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इन्फेक्शन का वायरस शुरू हो गया है। उसके बाद जब मेरे को स्कूल से लगा, उसके बाद मामा नारायण ने मेरे को देखा, उसका मामा ध्यान भी हो गया, मामा ध्यान को देख के पप्पा को देख के मम्मा को हो गया। रात में कई मामा नारायण को बुखार हो गया, मामा ने भी उनको दवाई पिलाई, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रो रहे थे पेट सब में। और भाई आप देख सकते हैं मामा नारायण कितने चिड़चिड़े हो रहे हैं, और मैंने भी ग्लास लगा लिया कि किसी को दोबारा होना जाए। तो दाम जी भी ठीक हो पाए, थोड़ी बार उनको दोबारा हो गया ना, तो ये चिड़चिड़ा हो जाएंगे दोबारा, भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया उनके। मोबाइल सुबह से मोबाइल लग रहे हैं, पहले डाटा भी कह रहे हैं, बात भी कर रहे हैं आपसे। तो जी, आपने सुना होगा शारदा ने जो आपको बताया, आजकल कराची में ख़ास तौर पे आइस इन्फेक्शन का वायरस हो रहा है। तो मुझे जो है डॉक्टर ने ये दवाई बताई थी मोक्सीकान, इससे माशाल्लाह से बहुत फ़र्क है शारदा की आइस में और मोहम्मद अयान की आइस में भी, और रात से हमें भी हुआ है, तो हम भी यही डाल रहे हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप में से अल्लाह ना करे अगर किसी को ये हो गया है, तो आप भी ये वाले ड्रॉप लें और दो दो ड्रॉप 3 टाइम आप यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। तो जी, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, मैं आपको चश्मा उतार के दिखा नहीं सकता, तो मैंने चश्मा पहना हुआ है, घर पे भी एहतियात कर रहा हूँ, एक टिशू रखा हुआ है, उससे थोड़ी थोड़ी देर में आँखें अपनी साफ़ कर रहा हूँ। तो पहले से तो आप लोग बहुत एहतियात करें कि किसी की आँखों में मत झाँकें, और अगर खुदा न खास्ता आपको हो गया है तो ये वाले ड्रॉप यूज़ करें, आँखों को धोएं बार बार और टिशू से उसको साफ़ करें, और अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो जी, ये देखें मोहम्मद अयान को भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ये भी चश्मा पहन के घूम रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल को फिर भी नहीं छोड़ रहे, अभी इनका माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। आपने क्यों पहना हुआ है? देख सकते हैं, तीनों चश्मे पहन के बैठे हैं, उनको भी अलग अलग टिशू भी लेके बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद उनको साफ कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपनी आंखों में अरके गुलाब डालना शुरू कर दीजिए, और चश्मे का यूज़ करें बाहर जाके, और किसी की आंखों में झांकने में गुरेज करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।